lots of power to manipulate. And I'm sure everyone must have gone through various posts. कुछ लोगों ने सुबह भी पोस्ट किया था कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, एंड देन आई हैड पोस्टेड समथिंग अबाउट BNDN बिकॉज आई हैड समथिंग एज अ सरप्राइज फॉर इवनिंग. सो व्हेन वी से 2022 और से 22 to 22, नंबर रिपीट हो रहा है एज अ पैलिंड्रोम, एज अ एमिग्राम. बट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर जो लोग न्यूमरोलॉजी जानते हैं या जो नहीं भी जानते हैं, टुडे विल ट्राई टू वर्क आउट एंड मेक इट एज इजी एज पॉसिबल दैट इरेस्पेक्टिव ऑफ योर न्यूमरोलॉजी, इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू आर लर्निंग, हाउ दिस नंबर कैन हेल्प यू टू मेक योर डिजायर्स एंड मैनिफेस्टेशन ट्रू, ये देखेंगे. क्योंकि ये नंबर ही पूरा कॉम्बिनेशन मून का है, एंड हमेशा हम लोग जब जब मैनिफेस्टेशन करते हैं, फर्स्ट थिंग व्हाट वी सी इज कि आज पूर्णमासी है क्या. फुल मून डे को मैक्सिमम लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं, और आज तो पूरा पावर ही 2 2 2 2 2 2 पूरा कॉम्बिनेशन है. पाइथागोरियन के हिसाब से देखेंगे, जो लोग पाइथागोरियन जानते हैं, तो 22 इटसेल्फ इज अ मास्टर नंबर विच कैन हेल्प यू टू क्रिएट एनीथिंग बेस्ड ऑन योर डिजायर्स. फिर वो आपकी इच्छा सही है गलत है, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट, दैट मैनिफेस्टेशन कैन हैपन फॉर पीपल विद मास्टर नंबर 22, जिनका बर्थडे 22 आता है, जिनका डेस्टिनी नंबर 22 आता है. इन लोगों में ये मैनिफेस्टेशन की पावर बाय डिफॉल्ट आती है एंड इट वर्क्स फॉर देम. और आज का तो पूरा नंबर ही उस हिसाब से है. सो टुडे विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द नंबर्स फर्स्ट, बस सिर्फ 22 के बारे में, देन वी विल गो फॉर अ मैनिफेस्टेशन टेक्निक विच आई जनरली टीच इन माई हिप्नोसिस क्लास. बट आज अगर हम लोग ऐसे इस पर्टिकुलर डेट पे है जो शायद हम वापस कभी देख नहीं पाएंगे, तो वाई नॉट टू यूज दैट पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन फॉर बेटरमेंट ऑफ आवर लाइफ. अपनी लाइफ हम खुद ठीक कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर थॉट्स. इसकी रिकॉर्डिंग भी सबको दी जाएगी, so absolutely don't worry, recording will be shared for everyone. जब हम manifestation कहते हैं तो manifestation is always about, जो लोग law of attraction practice करते हैं, जो अलग अलग theories practice करते हैं, वहां पर बहुत से लोगों को दिक्कत ये आती है that like you are manifesting say an ideal relationship. अगर already relationship में कुछ दिक्कत चल रही है, अगर किसी का rock bottom financials चल रहे हैं, and we try to manifest that, and most of the times we say that I am already in abundance. I am already having a perfect happy relationship. आपका conscious mind कहता है भाई बस हो गया, already things are at rock bottom, things will not change. Manifestation का सबसे पहला रूल ही ये है कि आप आपके subconscious mind को train करो धीरे धीरे. You can't act like you are not an on off switch कि घर पे गए बत्ती on कर दी, light on हो गई, light off हो गई, ऐसा नहीं होता है. It is a continuous process. Being a certified law of attraction trainer, I thought that I should work out or maybe help out everyone who can plan for manifestation. तो जब भी आप manifestation करोगे या आज भी जब हम आगे जाके process करने वाले हैं, तो I would request everyone of you that always try to see that you are in the process of getting change. आप immediately बोल नहीं सकते कि yes, I have transformed my life, my relationship is ideal. I am already a multi-millionaire. ऐसा नहीं होगा, because your conscious mind tells you that boss, this is not possible. Important ये है कि आप उसको समझाओ that you are in the process of revamping your life. Things will definitely change, and 100% manifestation काम करता है, irrespective of whatever date is today. अगर आप इसको आज करते हो, कल करते हो, मैं तो आज जो technique आपको सिखाने जा रहा हूँ, अगर आप रोज 10 मिनट करोगे, तो I guarantee you that you will see an amazing transformation in your life. That is for sure. Kyunki technique hi aise sikhenge jo aapke subconscious mind ko train karegi. And when your subconscious mind is trained, you will see that you are able to achieve your results. Second important law of hypnosis ya subconscious mind ka ye hota hai that it doesn't understand the difference between reality and imagination. Aap usko jo bologe वो मानना शुरू करेगा.
सबकॉन्शियस माइंड का, तो सबकॉन्शियस माइंड पे आपको थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ता है. एंड व्हेन यू शो इट दैट यस दीज थिंग्स आर हैपनिंग बाय वे बाय मेथड ऑफ लूसिड ड्रीमिंग बाय मेथड ऑफ विजुअलाइजेशन व्हाट एवर वे यू यूज, बट आपका मैनिफेस्टेशन 100% काम करेगा अगर आप बिलीव करोगे दैट इट इज हैपनिंग. रीजन, योर सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्टली डायरेक्ट्स योर कॉन्शियस माइंड. आज आप जो भी हो या आज आपके जो भी एक्शंस होते हैं दे आर डिपेंडेंट अपॉन योर प्रोग्राम्स विच आर देयर इन योर माइंड. सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, आप बोलोगे क्या नंबर 222 के बीच में ऐसे एग्जाम्पल्स दे हुए, बट इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनिफेस्ट इन टूडेज टोटल प्रोसेस विच वी आर गोइंग. जब आप आज दांत मांझते हो तो आप बगैर यहां वहां देखे आराम से दांत मांझ सकते हो बिकॉज दैट प्रोग्राम इज फेड इन योर माइंड. सिमिलरली रिलेशनशिप से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, बचपन से हमने सुना होता है पैसे पेड़ पे नहीं उगते. बचपन से सुनते हैं कि पैसे तो भाई सारे जी का जंजाल है, सारे रिश्तों को खराब करता है. रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारी चीजें सुनी होती है. एंड देन व्हेन दीज थिंग्स हैव बिकम योर सबकॉन्शियस री इम्प्रिंट, योर लाइफ ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड अकॉर्डिंगली. और फिर आप कॉन्शियसली कोशिश करते हो कि हाँ मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, बट जो सबकॉन्शियस री इम्प्रिंट बैठा हुआ है वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है. सो टूडे वी विल लर्न द टेक्निक टू वर्क ऑन योर सबकॉन्शियस री इम्प्रिंट. एंड इफ यू यूज इट डेली, 10 मिनट का काम है, आप खुद के लिए 10 मिनट डेफिनेटली दे सकते हो. अगर आप रोज 10 मिनट भी शाम को सोने से पहले करते हो तो यू विल सी एन अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग इन योर लाइफ. बिफोर वी प्रोसीड फर्दर फॉर द मैनिफेस्टेशन टेक्निक, एक छोटा सा PPT बनाया है क्योंकि आज इतना बड़ा दिन है, प्रोबेबली द लास्ट डे ऑफ दिस सेंचुरी. अगले सेंचुरी में या अगला ये दिन आने तक शायद हम में से कोई रहेगा नहीं रहेगा, पता नहीं. सो जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 222 एंड 222. छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है, ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूंगा, बट कोशिश यही रहेगी जो लोग न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो अपने परसेप्शन से देखते हैं, जो एंजल हीलिंग में हैं वो अपने परसेप्शन से देखें, एंड जो रेगुलर मेरे जैसे लाइफ में है जो चल रहा है वो अपने परसेप्शन से देखें. बिकॉज आई डोंट लेबल माई सेल्फ एज एनीथिंग, ए सिंपल ह्यूमन बींग. जो आप कर रहे हो डेली, आपका काम करते रहो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी. सो विल स्टार्ट विद अ स्मॉल प्रेजेंटेशन. कोशिश यही रहेगी दैट वी ट्राई टू मेक इट एज ईजी एज पॉसिबल. सबको दिखाई दे रहा है? यू कैन जस्ट थम्स अप. परफेक्ट. इंपॉर्टेंस है डेट का आज के, दैट इफ यू बिलीव इन दिस डेट, 2 है, 22 है, डबल 22 है, सब कुछ है यहां पर. एंड ये आपके मैनिफेस्टेशन को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा बिकॉज 2 इज कंसिडर्ड एज उसका लॉर्ड ही मून है. एंड व्हेन यू हैव सो मच ऑफ मून अराउंड यू टुडे, यू कैन यूटिलाइज द पावर ऑफ मून, वेदर इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज फुल मून और वॉट एवर वैक्सिंग वेनिंग इज हैपनिंग. बट इतना ज्यादा आपके पास अगर मैनिफेस्टेशन का पावर सामने खड़ा है तो यू कैन यूटिलाइज दिस पावर टूडे नाइट एंड यू विल सी दैट यू आर एबल टू मेक अ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर योर सेल्फ. एंड देर इज नो, मतलब ऐसा कभी नहीं होता है कि हाँ आपने 5 साल पहले करना चाहिए था. नथिंग, द डे यू स्टार्ट इज योर टूडे. आप आज से शुरू करो, आपको आज से आगे रिजल्ट मिलेंगे. जरूरी नहीं कि 10 साल पहले करना चाहिए था ये वो. सो वॉट एवर वी आर टूडे, 2/22/22 आपको इसके रिजल्ट 100% मिलेंगे क्योंकि आज से आप शुरू कर रहे हो. अगर हम नंबर 2 को देखते हैं तो नंबर 2 जो नंबर है वो मून का होता है, विच शोज दैट हाउ यू आर इंक्लाइन टुवर्ड्स योर फैमिली लाइफ. आपके इमोशंस, आपके अफर्मिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे आपका चार्म या आपकी एम्पैथी, आप किस तरह से लोगों को देखते हो, आपकी फैमिली बॉन्डिंग कैसी है. अगर आपने इमोशंस ही नहीं है तो आपकी फैमिली लाइफ भी प्रोबेबली खराब हो सकती है. आई एम ओनली स्पीकिंग अबाउट नंबर 2. तो आपका मून से रिलेटेड इमोशंस बहुत ज्यादा चीजें मैटर करता है, दैट हाउ इमोशनल यू आर. एंड पीपल हु आर मोर इन टू इमोशंस, पीपल हु ट्राई टू थिंक द थिंग्स इमोशनली,
कैन सी द सक्सेस इन मैनिफेस्टेशन इजीली, क्योंकि सिंपल लॉजिक यही है, मानो तो भगवान ना मानो तो पत्थर। एंड सेकेंडली, अगर आप शाहरुख खान का डायलॉग हमेशा देखते हो कि जिस चीज को आप शिद्दत से चाहते हो तो जरा जरा आपको वो देने के लिए तैयार होता है। सो अगर आप सही तरीके से विजुअलाइजेशन स्ट्रांग करते हो, अगर आपके दिल में वो स्ट्रांग बिलीफ है दैट यस इट विल हेल्प, देन नंबर टू विल ऑलवेज हेल्प यू टू मैनिफेस्ट। मून विल ऑलवेज हेल्प यू टू मैनिफेस्ट एंड टुडे इज द डे वेयर यू कैन स्टार्ट द जर्नी। अगर हम लोग नंबर 222 को देखते हैं, नंबर 222 एंजल हीलिंग में या एंजल्स के लिए देखते हैं लोग, या बहुत बार आप जब जाते हो यहाँ वहां बाहर कहीं जाते हो तो आप देखते हो आपको बहुत बार 222 दिखाई देता है, चाहे गाड़ी पे दिखाई दे, चाहे किसी का कहीं पर भी आपको दिखाई देता है। 222 इज अ सिग्निफिकेंस दैट नो मैटर, क्योंकि ये सबको नहीं दिखाई देगा, ट्रस्ट मी, ये आपको इसलिए दिखाई दिया बिकॉज इट इज शोइंग दैट स्टिल देयर इज अ होप, नो मैटर एट वॉट रॉक बॉटम यू आर ऑफ योर लाइफ, यू विल सी दैट यू कैन फाइंड आउट स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। बट वहां पर आपको आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना बहुत जरूरी होता है। 222 सबको नहीं दिखता है, कुछ लोगों को 111 दिखता है, कुछ लोगों को 555 दिखता है, कुछ लोगों को 222 दिखता है। एंड यू मस्ट हैव हर्ड, यू मस्ट हैव सीन दिस पोस्ट रेगुलरली ऑन फेसबुक। 222 इज अ साइन दैट इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड, बॉस अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। सो पीपल हु सी दिस नंबर शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट दिस नंबर, चाहे स्कूटर पे देखो आप, चाहे कार पे देखो आप, ये समझ लो कि आपकी बात बनने वाली है। तो इस नंबर को सबसे पहले ध्यान, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सो नंबर 222 आपको दिखाता है दैट यू कैन ऑलवेज वर्क ऑन योरसेल्फ एंड क्रिएट अ डिफरेंस। यही नंबर आपको यह भी दिखाता है दैट यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू किक स्टार्ट योरसेल्फ एंड रीच योर लाइफ गोल्स। 222 बहुत पावरफुल नंबर है, क्योंकि अगर आप इसका टोटल भी देखते हो तो इट कम्स टू 6। 6 gives you all the pleasures in the life, चाहे वो name, fame, money, जो भी है। And plus, इसका अगर आप positively देखोगे तो moon helps you to decide your mindset, कि अगर आप positively देखोगे किसी चीज को, if you try to say the things that yes, I can do it in the process, तो आप बिल्कुल सही तरीके से results पाओगे। आप जो भी, जब बारिश आने से पहले जब आप बीज खेती में बोते हो, तभी बारिश आने के बाद उसकी फसल आती है। दीज नंबर्स आर सो पावरफुल दैट इफ यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग इट, यू विल सी दैट यू आर हिटिंग योर गोल्स इजीली, बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड इम्प्रिंटिंग हैपन्स। नंबर 2 इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर सबकॉन्शियस माइंड, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। प्लस अगर आपको ये नंबर रेगुलरली दिखाई दे रहा है तो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू कीप द बैलेंस ऑफ योर माइंड, सोच समझ के, बगैर भावनाओं में बहके सही तरीके से अगर आप करोगे तो आपको रिजल्ट्स 100% मिलेंगे। 222 इज अ वेरी पावरफुल नंबर, आप ये आपके हाथ पे भी लिख सकते हो, इट वर्क्स। हाउ टू प्रोग्रेस इन दिस डायरेक्शन, तो आज जब हम अभी एक्सरसाइज करेंगे तो सबसे पहले आप डिसाइड कर दीजिए दैट व्हाट एग्जैक्टली यू नीड इन योर लाइफ फ्रॉम दिस 222। कुछ लोगों को पैसा चाहिए होगा, कुछ लोगों को पीस ऑफ माइंड चाहिए, कुछ लोगों को रिलेशनशिप से रिलेटेड चीजें क्लियर करनी है, और कुछ मैनिफेस्टेशन करना है। तो वेन एवर यू आर वर्किंग ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वेन एवर यू आर वर्किंग ऑन मैनिफेस्टेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डिसाइड दैट वॉट एग्जैक्टली यू वॉन्ट। वैसे साहब, जब आप स्टेशन पे जाते हो तो आप बस बैग लेके किसी भी गाड़ी में नहीं बैठ जाते, यू नो वेयर यू वॉन्ट टू गो। So use the same logic when you are using manifestation. And aaj ka din 2222, it's a super enabler for your manifestation. It will help you. But ye aaj ke hi din mein hoga kya? Nahi.
I would say that it is a good day to start that vibration and then remain in that vibrational state of love and acceptance. क्योंकि आज के एक ही दिन करके वो होने वाला नहीं है. It is a process, but it's a good day to start that process. इसलिए आज सोचा कि ये हम लोग कर दें. अब यहाँ पर ये भी important होता है कि आपका manifestation सही होगा या नहीं. तो ये कब success मिलेगा आपको? जब आपको उसमें एक्साइटमेंट लगे. आपके गोल्स भी आप तभी अचीव कर पाते हो व्हेन दे आर सुपर एक्साइटिंग गोल्स. जब उसमें आपको लगे कि यस आई कैन डू इट, आई एम सीइंग द रिजल्ट्स, कि ये रिजल्ट्स मिलने के बाद मेरे लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं. तो अगले जब हम 15-20 मिनट की जो एक्सरसाइज करने वाले हैं, उससे पहले आप डिसाइड कर दीजिए दैट वॉट एग्जैक्टली यू वॉन्ट इन योर लाइफ. वॉट इज दैट and how exactly your life will change when you have that particular thing. क्योंकि होता क्या है कि हम सिर्फ ये सोचते हैं कि यार मेरे पास ये ड्रेस आ जाए तो कितना अच्छा होगा, मेरे पास 5 लाख रुपए आ जाए तो कितना अच्छा होगा. But have you ever thought that if you get that money, 99% there are chances that you will lose that money in 1 or 2 days or maybe in few days, because you have not decided the outcome. जो इजी मनी आता है, एंड इफ यू आर नॉट अट्यून्ड टू द पॉजिटिविटी, इफ यू आर नॉट अट्यून्ड विद द यूटिलाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मनी, मनी इज फाइनली एन एनर्जी, इट कांट बी क्रिएटेड, इट कांट बी डिस्ट्रॉयड, बट वो फॉर्म इमीडिएटली निकल जाता है. सो आज भी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी करोगे, आपका मैनिफेस्टेशन का आउटकम स्ट्रांग रखिए, दैट वॉट एग्जैक्टली यू वॉन्ट एंड how exactly will your life will be after this particular session, yeah, after achieving your goals, what exactly will be your life. Suppose agar kisi ko health se related issue hai, kisi ko relationship se hai, kisi ko finance hai, kisi ko acha numerologist banna hai, kisi ko acha aur kuch banna hai, visualize that particular state of mind when we are doing it at a particular time. Jab main aapko command dunga visualization ki, तो आपको उस टाइम पे ये विजुअलाइज करना है दैट एज इफ यू आर ऑलरेडी इनटू दैट स्टेट एंड देन टेक दोस वाइब्रेशनल एनर्जीज. आई गारंटी यू दैट यू विल हैव गूज़बम्प्स ऑन योर बॉडी, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए. और जब आपको जो चाहिए वो पता है तो आप उसके रिजल्ट भी अच्छे तरीके से दे पाओगे. टुडेज प्रोसेस इट विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन हिप्नोसिस. यहाँ पर आपको हिप्नोसिस आने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट है खुद को ट्यून करने का. एंड बिफोर वी प्रोसीड फर्दर आई वुड आल्सो लाइक टू टेल दैट यस, नंबर 22 जब जो शुरू में मैंने कहा इट्स अ मास्टर नंबर, इट कैन हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स. एंड आपका जो डेडिकेशन है, अगर आपके एफर्ट्स, 22 को हमेशा एक ऐसा नंबर भी कहा जाता है चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी में दैट इट शुड नॉट बी गिवन सो इजीली, क्योंकि ये इविल थॉट्स की तरफ भी लेके जा सकता है. डबल मून है विथ राहु, 22 विथ राहु. तो अगर आप 22 नंबर बॉर्न हो, मींस यू हैव दैट पावर टू क्रिएट एज वेल एज डिस्ट्रॉय द थिंग्स. सो आपकी एनर्जी को आप कहाँ चैनल करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है. People who are born on 22 are very creative. They have power to create the things. They can make and break the things easily. So people with BN 20, birth number 22, जो लोग 22 तारीख को especially पैदा हुए हैं, इनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए that they put their thoughts in the positive way. Or else that negative desire, negative evil wish can pull them down to the rock bottom. 22 बहुत powerful number है. We should respect this master number always. Not everyone is born on 22. बहुत कम लोग होते हैं जो 22 पर born होते हैं. हालांकि इनके life में struggle दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, but they have a power to come up. But it depends upon how you are utilizing the power of your mind. तो आज यही कोशिश कीजिए कि आप आपके life में आपका moon का power बढ़ाने की कोशिश कीजिए in the positive way. अब जब हम 2 देखते हैं numerology के हिसाब से भी, तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 222 इज ऑलवेज अ रिमाइंडर दैट यू आर ऑन द राइट पाथ. आप कहीं गाड़ी पे देखते हो, आपको कहीं पे पोस्ट आता है, आपको इंपॉर्टेंट फोन कॉल आता है जो 2:22 पे आ गया,
आपने कोई इम्पोर्टेंट फोन कॉल किया जो 2:22 पे आ गया, आपको कोई दोस्त मिल गया 2:22 पे, एनीथिंग कैन हैपन. दीज नंबर्स एक्चुअली हॉन्ट यू. नंबर्स ऑलवेज हॉन्ट अस. एंड एंजल नंबर्स तो सबको दिखते हैं. इट इज जस्ट दैट इफ यू बिलीव इन इट, इट विल शो यू द रिजल्ट. बट एंजल नंबर्स सबको सामने आते हैं. नेचर ऑलवेज गिव्स अस द सजेशंस और इवन द साइंस इन वन ऑफ द अदर फॉर्म. बट ये हम है जो हम उसको मानते नहीं हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं. सो नेवर इग्नोर द साइंस गिवन बाय द नेचर. इट कैन बी एनी फॉर्म. जरूरी नहीं है कोई यूनिवर्स है, कोई आपको दे सामने से नंबर दिखाई दे रहा है, इट इज अ साइन दैट यूनिवर्स इज विथ यू. सो कोशिश कीजिए कि मून के पावर को आप हमेशा यूज करें. अब अगर 222 देखते हैं सिर्फ, तो दिस नंबर इज अ मैसेज ऑफ होप ऑल्सो. इट गिव्स यू अ चॉइस टू बैलेंस. इट गिव्स यू अ चॉइस टू गिव अ कमिटमेंट टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप, टुवर्ड्स योर ट्रस्ट. And it can give you an opportunity to come out of any situation where you are right now. आप हाथ पे 222 तीन बार देखो, it will give you. But सिर्फ एक होता है कि आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए. अगर आप नेगेटिव माइंड में ही लिखोगे तो इट विल इनहांस द नेगेटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर. आई हैव बीन यूजिंग दिस नंबर, आई हैव सीन द रिजल्ट्स. रिजल्ट्स आते हैं, बट आपका स्टेट ऑफ माइंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो टूडे वॉट वी आर डूइंग इज टू प्रोग्राम द स्टेट ऑफ माइंड and to visualize and feel that power of moon within you. सबके अंदर सारे 9 planets होते हैं, सिर्फ हम लोग उसको activate नहीं करते हैं. तो आज हम लोग जब manifest करेंगे तो यही करना है आपको, that be clear about what exactly you want. List down the aspects. इस slide का आप चाहिए तो 1 minute आराम से पढ़ लो. It list down the aspects you want to focus on. आपकी energy, चाहे आप फिल्म इंडस्ट्री में हो, चाहे मीडिया में हो, बिकॉज देयर आर फ्यू पीपल फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री ऑल्सो टूडे. आप जिस इंडस्ट्री में हैं, उस इंडस्ट्री में आप मैनिफेस्ट करो दैट यू आर ऑलरेडी ऑन द टॉप. एंड देन ट्राई टू सी दैट हाउ यू आर एबल टू लिव द लाइफ बाय अटेनिंग दैट सक्सेस. और जब आप ये जब आपका ये गोल कंप्लीट हो जाएगा, जब आप सोचोगे दैट यस दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू अचीव, then visualize the factors you are channelizing the energies on. अब यहाँ पे क्या करना है? Be like a child. It might sound ridiculous, but trust me, as a certified hypnosis practitioner, I'm telling you, be like a small child. Try to visualize anything. Like for example, अगर किसी को पैसे manifest करने हैं, visualize something that something is giving you that money. आपके ऊपर आ रहा है पैसा. किसी को रिलेशनशिप ठीक करना है, विजुअलाइज करो कि आप रिलेशनशिप कोई और आपकी मदद कर रहा है या आप ठीक कर रहे हो. किसी को अगर हेल्थ विजुअलाइज करनी है तो आप विजुअलाइज कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपकी साइज छोटी हो गई है, आप मुंह में से अंदर जाते हो, आपके साथ एक होज पाइप है एंड पूरे बॉडी को आप अंदर से क्लीन कर रहे हो. इट वर्क्स, दैट इज माई वर्ड, 100% काम करेगा बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड डजंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन. आज आपको जरूरत सिर्फ इस चीज की है कि आपके मून को आप एनहांस करो. मून इज योर सबकॉन्शियस माइंड. आई गारंटी यू दैट यू विल बी एबल टू सी द रिजल्ट. सिर्फ आपके मून को आपको एनहांस करने की जरूरत है. एंड मून इज योर सबकॉन्शियस माइंड. वहां आप जो भी दिखाओगे उसको वो मानना शुरू करेगा, रिजल्ट्स आएंगे. एंड आपके इंटेंशंस बिल्कुल अच्छे होने चाहिए. डोंट हैव एनी रॉन्ग इंटेंशन. डोंट हैव एनी इंटेंशन टू क्रिएट एनी इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी कि इसका बुरा हो उसका बुरा हो, इट विल नेवर वर्क. आपकी एनर्जी किस तरह से बैलेंस हो जाए ये आप देख लो. आपको जो भी करना है आपका स्ट्रांग मैनिफेस्टेशन पहले सबसे पहले रखना, इट विल हेल्प यू. सो आई होप आई हैव क्लियर्ड अप टू दिस पॉइंट. यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होना चाहिए. नाउ During the process, what you have to do is, it's a sincere request that don't sit cross legs. कुछ लोग पेड़ पे लेट के आराम से करना चाहेंगे. I would request you, please don't do it. सीधा बैठिए. It is important that you keep your spine straight. Straight spine also helps you to awaken your own
इनर एनर्जीज, चाहे वो आप उसे कुंडलिनी कहो या जो भी एनर्जी आप कहते हो, एवरीवन हैज अ डिफरेंट नेम टू इट, बट यू कैन अवेकन द पावर्स ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ऑफ योर रूट चक्र, ओनली व्हेन यू आर सिटिंग स्ट्रेट. नींद में लेट के, बेड पे लेट के, ऐसे लेट के किसी को रिजल्ट नहीं मिलेंगे. उल्टा आप आधे नींद में भी आपको ना कुछ रिजल्ट आएंगे, ना कुछ सामने से रिजल्ट होगा. तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि सबसे पहले कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड बिफोर वी प्रोसीड फॉर द सेशन. पानी पी लीजिए, इट विल हेल्प यू, बिकॉज अगले 15 मिनट आपकी आंखें बंद होंगी. हो सकता है कुछ लोगों को प्यास लगे, कुछ लोगों को गला सूखे, कुछ लोगों को एक अजीब सी वाइब्रेशन, स्ट्रांग वाइब्रेशन आ जाए. तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप प्लीज पानी पी लीजिए, कीप योरसेल्फ वेल हाइड्रेटेड. अगर फैन एसी कुछ चालू है तो रहने दीजिए. कुछ लोगों को पसीना भी आ सकता है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन एवरीवन्स इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशन दैट व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग. मून हैज अ पावर टू गिव यू द रिजल्ट, एंड ये प्रोसेस काम करता है. ऑल्सो इफ समवन वॉन्ट्स टू वर्क आउट ऑन एनी पैटर्न, लिसन टू मी केयरफुली, आई वुड रिपीट इट अगेन, दैट इफ समवन वॉन्ट्स टू वर्क आउट ऑन एनी पैटर्न विच इज ट्रबलिंग देम इन दिस लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, किसी को जो भी कोई पैटर्न अगर चेंज करना है, तो ड्यूरिंग दिस सेशन यू कैन ऑल्सो try to go back to your any of the past life. I'll take you there where you can just pick up those healthy patterns of your life through this manifestation of moon, and you can imprint it. ye aapki soch pe hai ki aap, ya aapki imagination pe hai ki aap kis tarah se karoge. So I hope all are ready for this. We'll just take a 2 minutes. यहां तक किसी को कोई डाउट है? आई हैव अनम्यूटेड एवरीवन. पूरे सेशन में आप ये कोशिश कीजिए दैट यू आर इनटू अ स्टेट ऑफ वाइब्रेशन टू अचीव द थिंग्स. अगर आप अचीव करने के मोड में हो, अगर आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में हो, तो आपको रिजल्ट्स 100% आएंगे. ऑल्सो इफ पॉसिबल, प्लीज योर कीप योर कैमरा ऑन, बिकॉज इट्स अ हिप्नोसिस सेशन. It will help me to monitor every one of you. As everyone, हर एक की state of mind change हो जाती है, body language change हो जाती है. तो please, if possible, keep your camera on. It will help you in a better way. आप ही को results अच्छे मिलेंगे. So and you will be able to see that what exactly you can achieve in the life. यहाँ तक किसी को कोई doubt है? Before we proceed for the session, you can ask the question. किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज आप सवाल पूछ सकते हो. इट्स ओपन राइट नाउ. चैट बॉक्स बंद है, डायरेक्टली यहीं पे सवाल पूछ लीजिए. चैट्स हैव बीन डिसेबल्ड. सो आई होप नो वन हैज एनी क्वेश्चन. शुड वी प्रोसीड फर्दर? यस नो. I have allowed everyone to speak. किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है ना अभी? एक छोटा सा क्वेश्चन है. हाँ जी सर. हैंड्स की क्या पोजीशन होनी चाहिए? हाँ, आई एम कमिंग टू इट. जस्ट मैं आप लोगों की परमिशन के लिए रुका था. हैंड्स की पोजीशन, आई पुट माय सेल्फ ऑन द मेन स्क्रीन अगेन. ऐसे होना चाहिए? ऐसे ऐसे ऐसे. अच्छा, ऐसे ऐसे. एंड आप अपने इस पे थाइस पे भी हाथ रख सकते हो. बस फिंगर्स को क्लोज रखना, सो दैट इट इज लाइक कंप्लीटली मैनिफेस्टेशन. एंड सेकंड थिंग, डोंट कीप योर लेग्स क्रॉस्ड. क्रॉस लेग्स, क्रॉस हैंड्स, कभी भी आप एनर्जीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे. लाइक इवन इफ यू मीट पीपल इन द सोसाइटी रेगुलरली, अगर आप देखते हो, अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी से बात करते हो और अगर उसके हाथ ऐसे बंधे हुए हैं, तो इवन यू गेट इरिटेटेड. हाथ बांध के खड़ा है, दैट शोज दैट स्टबर्ननेस. तो कोशिश सब लोग यही रखिए कि हाथ और पैर दोनों भी क्रॉस लेग ना रखिए, ओपन रखिए. कीप योरसेल्फ ओपन फॉर एब्जॉर्बिंग द पॉजिटिविटी ऑफ योर ओन
life. We are not going to create any miracles. We are trying to create the energy within yourself. I'll try to help you to activate your own energy. And you will be able to do it, whether I'm there or not live. But I'll be sharing this video with you. You will be able to do it at home. Second, before starting the session, whatever intention you want to do, I'll put myself on the spotlight. जो भी आप इंटेंशन करना चाहोगे आप सबसे पहले कंसिडर दिस एज योर ब्रेन. आई एम एबल, सब लोग देख पा रहे हैं ना, थंब एज योर ब्रेन, दिस एज योर लेफ्ट बॉडी एंड दिस एज योर राइट बॉडी. आपको पूरे सेशन के दौरान एटलीस्ट एक हाथ पे ट्राई टू कीप दिस थिंग्स दिस वे, विजुअलाइजिंग दैट योर ब्रेन इज गिविंग कमांड टू योर राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी. आपका राइट हेमिस्फीयर जो होता है ब्रेन का, वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो राइट साइड को कंट्रोल करता है. सो दिस विल आल्सो हेल्प यू टू रिमूव इवन द क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज इफ यू हैव. हेल्थ इश्यूज भी ठीक होने में बहुत काम करेगा, दैट आई कैन टेल यू 100% बिकॉज आई एम डूइंग इट डेली. बिल्कुल काम करेगा. बस आपको ये तीन फिंगर्स टच करके रखने हैं किसी भी एक हाथ के, और इंटेंट या तो आप हेल्थ का रखो, वेल्थ का, जो भी आप रखना चाहो वो रख सकते हो. यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? वी कैन प्रोसीड फर्दर. ओके, सो आई एम म्यूटिंग एवरीवन अगेन. नाउ आई विल एक्सप्लेन द प्रोसेस एज हाउ वी आर प्रोसीडिंग फर्दर. सबसे पहले 100 to 1 का रिवर्स काउंटिंग करेंगे. उस दौरान आपको क्या करना है, आई विल एक्सप्लेन इट इन द प्रोसेस ऑल्सो, बट यहाँ पे सबसे पहले ब्रीफ कर देता हूं कि आपकी आंखों की जो पुतलियां हैं 20 डिग्रीज ऊपर दे दीजिए आप, एंड आंखों के आईलिड्स को क्लोज कर दीजिए. अगर आप भगवान महावीर देखते हो, गुरु नानक जी देखते हो, या कोई भी संत देखते हो, आप उनको विजुअलाइज करो कि उनकी आंखों की पुतलियां कैसे होती है. थोड़ा सा आंखों को ऊपर दे दीजिए, आईलिड्स को नीचे दे दीजिए, because that helps you to immediately go to the alpha state of the mind. Hum log beta, alpha, theta, delta in 4 states mein hamesha hote hain. We don't have all the time today to go for that explanation. But going into that alpha state of mind helps you. To aap jab aankhon ki putliyan upar dete ho to aapki aankhon ke samne aap ek white screen imagine kar dena. Just aankhon ke samne lana hai, koi zabardasti nahi hai. Agar kisi ko nahi aaya koi dikkat nahi, tension mat lena. पर आंखें बंद करके व्हाइट स्क्रीन इमेजिन कर देना, एंड उस व्हाइट स्क्रीन पे आपकी जो भी हेल्दी लाइफ है, जब मैं कहूंगा दैट नाउ यू स्टार्ट विजुअलाइज, तो आपको वहां पे आपकी जो भी हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड है, जो भी हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप, वो आपको वहां पे विजुअलाइज करनी है. इतना आसान है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, बट रिजल्ट आपको आज से ही दिखने को शुरू हो जाएंगे. यू विल एटलीस्ट स्टार्ट 1% ऑफ द चेंज इन योर माइंड एंड बॉडी. सो लेट्स डू इट. Take a deep breath, deep, deep, deep. Now, as you are listening my voice, while I am counting from 100 to 1, you will start feeling relaxing completely. Your mind and body will get into a complete relaxed position. You will see that each and every cell of your mind and body is relaxed. Also, as I am counting from 100 to 1, now, please take your eyelids 20 degrees upwards and eyeballs 20 degrees upwards and close your eyelids. And now see a white screen, a huge white screen in front of you. आपकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा व्हाइट स्क्रीन है. उस पर अब आपको जैसे जैसे मैं नंबर कहूंगा वैसे नंबर लिखने हैं. वो नंबर लिखने से पहले एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, अ ह्यूज सर्कल ऑन दैट व्हाइट बोर्ड. नाउ इन दैट सर्कल एज आई स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 100 to 1, यू विल राइट द नंबर एंड यू विल इरेज द नंबर. मतलब शुरू में 100 कहूंगा, आपको 100 लिखना है, मिटाना है, कीपिंग द सर्कल इंटैक्ट.
I guarantee you, you will see the results. So let's start. As you have taken your eyeballs upwards, visualize a white screen in front of you. On that white screen, now draw a huge circle and write a number 100. Erase it. 99. I'll just count down the numbers now. You have to write and erase it. 98. 97. 96. 95. धीरे धीरे आपका हाथ हैवी होना शुरू हो जाएगा. You will not be able to write the numbers after a certain time. By the time we reach 85, you will see that your hand is getting very heavy. 94, 93, 92. Your body is getting completely relaxed. Your mind is getting completely relaxed. 91, 90. 89, by the time we reach 85, your hand will be very heavy. You will not be able to lift the hand and write anything on the board. 88, 87, 86, 85, your hand is getting heavy, 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 heavy. Bahut zyada heavy hota jayega. 84, 83, अब आपकी गर्दन का कंट्रोल भी छूटना शुरू हो जाएगा. योर नेक विल आइदर टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट या सामने की तरफ अपने आप आ जाएगी. 83, रिलैक्स, कंप्लीट रिलैक्स. 82, 81, यू आर चूजिंग टू गेट रिलैक्स. 80, 79, कंप्लीट रिलैक्स. 78, 77, complete relax. The more you try to control your neck, the more you will lose the control over your neck. 76, 75, 74, you're going into a very deep sleep. Complete deep sleep. 73, 72. The more you try to control your neck, the more you will go into a deep sleep. Aapke gardan ka pura control chhoot jayega. 71, 70, 69, 68. By the time we reach 60, gardan puri tarah se ludak jayegi apne aap. 67, 66, 65, 64, relax, relax. You'll go 10 times deeper into your sleep. 63, 62, 61, 60, aur gehri neend mein jaoge. 59, 58, 57, 56, your entire body is completely relaxed. You are going into a very deep sleep. Bahut gehri neend mein ja rahe ho aap. 55, 54, 53, 52, 51, 50. Now, see yourself, visualize yourself standing near a pond. Ek samne neele color ka bahut hi sundar talab hai jisme neele color ka pani hai. Visualize yourself standing near the pond. And us talab mein jaane ke liye, for going towards that pond, you have 7 steps. Be absolutely comfortable holding my hand. Visualize yourself going towards that particular blue colored pond. And jaise jaise hum log ek ek step aage badhenge,
वैसे वैसे आप महसूस करोगे दैट इट इज रिलीजिंग ऑल द एप्रीहेंशंस ऑल द इल फीलिंग्स ऑल द एंगर एनी नेगेटिव हेट्रेड एनी नेगेटिव थिंग विच इज देयर इन योर माइंड एंड बॉडी सिंस लॉन्ग टाइम विच यू हैव नॉट बीन एबल टू गिव आउट। आज मौका है आपके लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड से सारी चीजें निकालने का। तो जैसे जैसे हम लोग एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे आप महसूस करोगे कि आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो रही है। जो भी अनवांटेड बर्डन्स आपने आपके कंधे पे लिए हैं वो रिलैक्स हो रहे हैं। सेवन, सी हाउ योर ब्रेन इज रिलैक्सिंग। सिक्स, देखिए आपने आपके कंधों से सारा बोझ उतार दिया है जो आपने जाने अनजाने में लिया हुआ है। देखिए किस तरह से आप जाने अनजाने में जितनी भी चीजें आज तक लेके रखे हो वो सब आपने सारी जमा करके रखी है, वो सब निकल चुकी है। फाइव, फोर, महसूस कीजिए किस तरह से आपने सारी चीजें आपके बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं जो मे बी नेगेटिव थॉट्स की वजह से हैं, नेगेटिव फीलिंग्स की वजह से हैं, या जो भी आपने बचपन से अब तक सहा है नोइंगली अनोइंगली, वो सब चीजों के सारे जितने भी टॉक्सिन्स हैं सब निकल रहे हैं। देखिए आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स होने शुरू हो चुकी है। नाउ यू आर ऑन द स्टेप नंबर थ्री, बिल्कुल रिलैक्स, ईच एंड एवरी जॉइंट ऑफ योर बॉडी इज रिलैक्स्ड। नंबर टू, योर माइंड इज कंप्लीटली रिलैक्स नाउ, योर मून इज हेल्पिंग यू टू रिलैक्स योर कंप्लीट माइंड। और अब आप नंबर वन पे आ गए हो जहां पर आपने सारी चीजें पीछे छोड़ दी है, कंप्लीट यू हैव रिलीज्ड एवरीथिंग बिहाइंड। नाउ सी योरसेल्फ नियर दिस पॉन्ड, विजुअलाइज कीजिए वहां पे रखा हुआ सेफ्टी जैकेट पहनकर आप उस पॉन्ड के अंदर जा रहे हो। यू आर कंप्लीटली सेफ इन दैट पॉन्ड, having enough oxygen for you, and now see yourself completely drenched in that pond. पूरी तरह से आप उस पॉन्ड के अंदर जा चुके हो, वो आपके आसपास जो नीला पानी है, अब महसूस कीजिए आपके बॉडी में से किस तरह से सारे टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, पूरी तरह से आपके टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, एंड आपके बाजू में जो नीला पानी है वहां पर आप क्लियरली देख पा रहे हो किस तरह से उस पानी का कलर चेंज हो रहा है, काला नीला पीला जो भी कलर आप देख पाओ आपके बॉडी से जो टॉक्सिन्स निकल रहे हैं पूरी तरह से पानी चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। सी हाउ योर ब्रेन इज रिलीजिंग ऑल द अनवांटेड थॉट्स, ऑल द अनवांटेड हेट्रेड, ऑल द अनवांटेड थिंग्स विच यू हैव बीन कैरिंग। देखिए आपका चेहरा कितना खिल गया है, आपके चेहरे पर जितनी भी थकावट थी, जितनी भी परेशानियां थी, सारी उस पानी में बिल्कुल पूरी तरह से धुल चुकी है, पूरी तरह से उस पानी में मिक्स हो रही है सारी थकावट में। अब धीरे धीरे आपके कान, नाक, मुंह, जुबान, पूरी तरह से जितने भी नेगेटिव एनर्जीज वहां पर है नोइंगली अनोइंगली रखी हुई, सब कुछ क्लियर हो रही है। नाउ योर नेक इज गेटिंग कंप्लीटली क्लियर। देखिए अब आप कितने कॉन्फिडेंटली आपके गर्दन को स्ट्रेट रख के बात कर पा रहे हो लोगों से। स्लोली यू आर एम्प्टीइंग योर शोल्डर्स, all the unwanted worries, all the unwanted things which you have been taking on your shoulder, you are releasing completely. अब देखिए आपके arms, wrist पूरी तरह से relax हो चुके हैं। Your chest and breast area is now completely free from all the hatred, all the negative thoughts if you have been carrying since your long time. Your heart is getting cleared completely. It is releasing all the unwanted emotions in this water as it wants to see a happy life. Slowly, your stomach is getting cleared. जितनी भी चीजें आपने पेट में दबा के रखी थी, जो चीजें आपको नहीं चाहिए, जो आज तक आपने रिलीज की है, नहीं रिलीज की है, वो आज आप रिलीज करोगे इस पानी में। See how the moon in your mind and your body is helping you to illuminate the energy inside. किस तरह से आपकी बॉडी अंदर से रोशनी अंदर बॉडी में तैयार हो रही है, क्योंकि मून जो है वो पूरी तरह से आपकी बॉडी को एक नई शीतलता प्रदान कर रहा है। धीरे धीरे नाउ योर हिप जॉइंट्स एंड जेनिटल ऑर्गन्स, थाइज, एवरीथिंग आर गेटिंग क्लियर्ड।
महसूस कीजिए किस तरह से आप एक हल्कापन महसूस कर रहे हो। आप आपके एंकल्स पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं, आपके टोज पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं, एंड नाउ योर एंटायर बॉडी इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी। स्लोली विजुअलाइज योरसेल्फ गेटिंग आउट ऑफ द पॉन्ड एज यू हैव अचीव्ड अ न्यू बॉडी कंप्लीटली फ्री। नाउ विजुअलाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर्स, आपके लेफ्ट साइड में मैंने एक गोल्डन थ्रोन रखा हुआ है, बहुत बड़ा गोल्डन थ्रोन है, एज इफ यू आर द किंग ऑफ दिस यूनिवर्स, यू आर द क्वीन ऑफ दिस यूनिवर्स। विजुअलाइज योरसेल्फ वॉकिंग 5 steps टूवर्ड्स दैट गोल्डन थ्रोन, उस थ्रोन पे बैठ जाइए, महसूस कीजिए उस थ्रोन के पावर को। आप इस दुनिया जहां के मालिक हैं, आप यहाँ के राजा हैं, रानी हैं, महसूस कीजिए आपकी पावर को और आप इस पावर को किस तरह से पॉजिटिवली यूज कर पाओगे आपके लाइफ में। उस थ्रोन पे बैठिए, वहां की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी आप देख पा रहे हो देखिए, एंड अब देखिए आपके थ्रोन के राइट साइड में मैंने एक गोल्डन कलर की चाबी रखी हुई है। उस चाबी को आराम से हाथ में उठाइए कॉन्फिडेंटली। ये वही चाबी है जो अब आप आपके यूनिवर्स के पोर्टल खोलने वाले हो। इसमें आपके यूनिवर्स का पोर्टल, जो पोर्टल आपको चाहिए वही पोर्टल आप खोलोगे। वो हो सकता है हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, जो भी है। सामने मैंने सारे दरवाजे रखे हुए हैं, हेल्थ का है, वेल्थ का है, रिलेशनशिप का है, पैसे का है, जो भी आपको चाहिए वो सारे दरवाजे सामने रखे हुए हैं और आप हर दरवाजे का लेबल पढ़ पा रहे हो। ये चाबी आपके किसी भी एक दरवाजे को आज खोलने वाली है। आपको बस डिसाइड करना है कि आपकी लाइफ में आपको क्या चाहिए। सबसे पहले विजुअलाइज कीजिए आप 5 कदम से आगे जा रहे हो एंड आप उस दरवाजे के पास हो, जो हो सकता है आपका हेल्थ का हो, वेल्थ का हो, रिलेशनशिप का हो, जहां पर भी हो। महसूस कीजिए उस चाबी की ताकत को, महसूस कीजिए उस चाबी की ताकत को। और अब आप उस चाबी से उस दरवाजे को खोल रहे हो, जो दरवाजा दूसरी दुनिया में खुल रहा है। दोस्तों, यू आर एंटरिंग इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड, डिफरेंट डायमेंशन विच ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स। मल्टीपल यूनिवर्स, मल्टीपल डायमेंशंस। यू, योर सबकॉन्शियस माइंड नोज व्हाट एग्जैक्टली यू वॉन्ट एंड यू हैव ओपन्ड दैट पर्टिकुलर डोर। एंड अब आप उस दरवाजे के उस तरफ जा रहे हो। आपके गाइडेड एंजल, आपके भगवान, आपके अल्लाह, आपके वाहेगुरु, जो भी भगवान आप जानते हो, पहचानते हो, मानते हो, उनका हाथ पकड़कर अब आप उस दूसरी दुनिया में जा चुके हो। महसूस कीजिए उस दूसरी दुनिया में जो हवा चल रही है, एक बहुत ही अच्छी खुशबू आपको महसूस होगी। आप महसूस करोगे एक बहुत अच्छी म्यूजिक वहां पर चल रही है। महसूस कीजिए अब आप उस दुनिया, दूसरी दुनिया में आप जिस दुनिया के राजा हो, रानी हो, अब आप उस दुनिया में जा चुके हो जहां पर आपको आपको पर्टिकुलरली जो भी पैटर्न चाहिए वो आप वहां से उठा के लाओगे, क्योंकि आपको इस दुनिया में और बेहतर बनना है। महसूस कीजिए वहां की गार्डन को, देखिए कितने रंग बिरंगी फूल खिले हैं, वो म्यूजिक जहाँ पर झरने बह रहे हैं, पंछी है, और आप बिल्कुल रिलैक्स मोड में आगे चलते जा रहे हो आपके डिवाइन एंजल, गाइडेड एंजल का हाथ पकड़कर। अब आप आपके डिवाइन एंजल एंड गाइडेड का हाथ पकड़कर एक ऐसी जगह पर आए हो जहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा पैसेज दिखाई दे रहा है, एंड उस पैसेज के राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों जगह पर रूम्स हैं, बहुत सारे रूम्स हैं। और ये एक एक रूम आपकी पिछली लाइफ को सिग्निफाई कर रही है। ये लाइफ आपकी हो सकता है पिछली लाइफ हो सकता है 1000 साल पुरानी हो या 10,000 साल पुरानी हो। आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि आपको कौन सा दरवाजा खोलना है, क्योंकि आपको इस लाइफ की कुछ चीजें बेहतर बनानी है। इस पूरे प्रोसेस में जब आप रूम्स देख रहे हो, आप देख रहे हो कि सामने एक बहुत बड़ा पैसेज है जहां आपके लिए रेड कार्पेट बिछाया हुआ है।
ये रेड कार्पेट आप ही के लिए बिछाया हुआ है, क्योंकि आप उस दुनिया में भी आप वहां पर मालिक राजा रानी रह चुके हो, और आपको ये वेलकम कर रहे हैं क्योंकि आपको वापस वहां से कुछ पॉजिटिव चीजें लेके आनी है। महसूस कीजिए मून की शीतलता, चांद की शीतलता आपको महसूस हो रही है वहां पर। वहां पर सारी मून लाइट फैली हुई है, बहुत ही अच्छा नजारा है। आप क्लियरली सब कुछ देख पा रहे हो। अब आप आपके गाइडेड एंजल का हाथ पकड़कर धीरे धीरे उस पैसेज के सारे जितने भी बंद दरवाजे हैं उनके नंबर्स आप बिल्कुल आसानी से पढ़ पा रहे हो, बट एक भी दरवाजा बगैर खोले बस आप आगे बढ़ते जा रहे हो एक एक दरवाजे को देख के, क्योंकि वहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि आपको कौन सा पैटर्न कौन से लाइफ से उठाना है। यू आर मूविंग फॉरवर्ड और बिल्कुल पैसेज के एंड तक आप जा चुके हो। आपके डिवाइन एंजल, आपके गाइडेड एंजल ने आपको बिल्कुल अब वहां तक पहुंचा दिया है। अब आपके गाइडेड एंजल ने आपको फ्री किया है। अब ध्यान से देखिए उस पैसेज को, एक तरफ पीछे की तरफ मुड़ जाइए एंड देखिए सारे रूम्स। जिस तरह से होटल के लॉबी में आप खड़े होते हो आपको दोनों साइड बड़े रूम्स दिखाई देते हैं, उसी तरह से बिल्कुल विजुअलाइज कीजिए कि आप लॉबी में खड़े हो एक एज पे, आपको अब सामने सारे रूम दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से देखिए हर एक रूम को, बिल्कुल ध्यान से देखिए, एंड अपने इष्ट देवता को याद करके, मून को याद करके, सी दैट योर हैंड्स आर एब्जॉर्बिंग ऑल द पॉजिटिविटी ऑफ द मून, क्योंकि वहां पर एक भीनी सी बहुत ही अच्छी खुशबू है, बहुत ही अच्छी लाइट है, मून लाइट है, जो आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब धीरे से अब आप चलते जाओगे एंड बिल्कुल जो दरवाजा आपको चाहिए उसी दरवाजे को खोलोगे। धीरे धीरे महसूस कीजिए आप उस दरवाजे के सामने गए हो एंड आपने वो दरवाजा खोल दिया है। ये वो दरवाजा है, हो सकता है 5,000 साल पुरानी लाइफ हो, 10,000 साल पुरानी लाइफ हो, या 100 साल पुरानी हो, जो भी है। अब आप उस दरवाजे के भीतर जैसे ही जाओगे वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ वही पैटर्न उठाना है जो आपको इस लाइफ में काम आने वाला है। उस लाइफ से जुड़ी हुई जो भी चीजें होंगी वो आपको इस सेशन के बाद बिल्कुल याद नहीं रहेंगी, एक्सेप्ट द पैटर्न विच यू आर पिकिंग अप। उस रूम में आप पूरी तरह से ध्यान से देखिए, आपको रूम पूरी तरह से दिखाई देगी। महसूस कीजिए अपने आप को उस रूम में। जो भी इंटेंशन आप लेके गए हो वो इंटेंशन अब आप, सपोज आप अच्छी हेल्थ के लिए गए हो, अच्छे रिलेशनशिप के लिए गए हो, अच्छा नेम एंड फेम के लिए गए हो, आप महसूस कीजिए वहाँ उस रूम में आपको वो सब मिल रहा है। आप देख पा रहे हो कि उस लाइफ में आपको वो नेम फेम हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप सब कुछ मिला है। आराम से उस रूम का हर कोना देखिए, क्योंकि वो रूम नहीं है बल्कि आपकी पूरी लाइफ है। वो छोटा सा कमरा नहीं है बल्कि एक पूरा यूनिवर्स है आपके लिए। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए उसका हर कोना, और उसके उसी किसी कोने में आपको दिखाई देगा वो पैटर्न जो आपको इस लाइफ में आपकी लाइफ को ठीक करना है। आपको जो भी मैनिफेस्टेशन करना है, जो भी चीजें आपको चाहिए लाइफ में, वो सारी चीजें आपको उस रूम में वहां पर दिखाई देंगी। वहां पर अब आपके इष्ट देवता को प्रणाम करके आपके दोनों हाथ खोल लीजिए और आपके पाम्स में विजुअलाइज कीजिए कि वो जो एनर्जी है वहां की, वो जो पॉजिटिविटी है, वो आपके पाम्स में पूरी तरह से भर रही है। फील दैट एनर्जी विच यू आर पिकिंग अप फ्रॉम दैट अदर पोर्टल, अदर यूनिवर्स वेयर मून इज हेल्पिंग यू टू ट्रैवल। इट हैज हेल्प यू टू ट्रैवल, इट इज हेल्पिंग यू टू ट्रैवल फॉर दोज हु आर स्टिल टू रीच देयर। महसूस कीजिए उस एनर्जी को अपने हाथ में से पूरे बॉडी में आते हुए। कुछ लोगों को हो सकता है गूज़बम्स आ जाए, कुछ लोगों की आंखों से पानी आ सकता है, कुछ लोगों का गला सूख सकता है। बिल्कुल उसी स्टेट में रहिए, महसूस कीजिए उस खुशी को, उस एनर्जी को जो आप आपके बॉडी में बिल्कुल पॉजिटिवली ले रहे हो। आपकी बॉडी में पूरी तरह से वो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। महसूस कीजिए उस पॉजिटिव एनर्जी को, स्ट्रांगली आपने आपके अंदर दिया है। पूरी बॉडी आपकी उस पॉजिटिव एनर्जी से भर चुकी है और अब आप एक फुलफिल्ड एंड कंटेंटेड लाइफ
जीने के लिए तैयार हो इस पर्टिकुलर लाइफ में। अब एक बार आप उस रूम को ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, वहां पर जो भी चीजें हैं, जो भी आपके अपने हैं, जो भी है, उन सबको थैंक्स बोल दीजिए दिल से। जो भी आपके अपने हैं उस रूम में, उन सबको थैंक्स बोल दीजिए। किसी से गले लगना चाहते हो तो गले लग जाइए। बिल्कुल ध्यान से देखिए, सबके चेहरे देखिए, क्योंकि इस रूम से बाहर आने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ पैटर्न्स याद रहेंगे। वहां से जुड़ी हुई हर इंसान की हर याद आप वहीं पर भूल जाओगे। इस वक्त सिर्फ आप एंजॉय कीजिए उस मोमेंट को, सिर्फ एंजॉय कीजिए उस मोमेंट को। किसी को गले लगना है, किसी से कुछ कहना है, किसी से जो भी कुछ करना है, जो भी कहना है, बिल्कुल आराम से कह लीजिए। क्योंकि इसके बाद आप उस रूम से बाहर आने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ ये पैटर्न्स लेके आओगे खुशियों के। बट जी लीजिए आपकी लाइफ उस लाइफ में जहां पर आप थे, महसूस कीजिए उस खुशी को। जब तक मैं 20 तक काउंट करता हूँ, आप महसूस कीजिए उस खुशी को उस रूम में जितने भी लोग हैं। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, सबसे बातचीत कीजिए, क्योंकि ये आपके लाइफ का बहुत पॉजिटिव मोमेंट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20। अब उस रूम से जैसे ही मैं 1 से 3 कहूंगा, बिल्कुल आप उस रूम से बाहर निकल जाओगे, लॉबी में आ जाओगे, एंड दरवाजा उस रूम का अपने आप बंद हो जाएगा। उस रूम से जुड़ी हुई हर याद आपकी यहीं पर खत्म होने वाली है, यहीं पर खत्म हो जाएगी। बाद में आपको ये याद कभी भी वापस परेशान नहीं करेगी, ना ही कुछ सामने दिखाई देगा। सिर्फ आप वहां से पैटर्न्स उठा के ला रहे हो। ऑन द काउंट ऑफ 3 यू आर फॉरगेटिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट द पॉजिटिव पैटर्न्स। 3, 2, and 1। अब आप वापस इस लॉबी में आ चुके हो, जहां पे आपका डिवाइन एंजल, गाइडेड एंजल आपके लिए खड़े हैं। उनका हाथ पकड़कर धीरे धीरे देखिए आप उस पैसेज से बाहर आ रहे हो खुशी खुशी, बिल्कुल खुशी खुशी आप उस पैसेज से बाहर आ चुके हो। अब आप वापस उसी बगीचे में हो जहां पर बहुत सारे आपके खाने के लिए भी मिठाइयां रखनी है, जो भी चीजें आपको पसंद है। एंजॉय कीजिए उस दूसरी दुनिया की सारी चीजें जो खाने को आपको पसंद है। महसूस कीजिए आपका पेट भरा हुआ, आपका मन तृप्त होता हुआ। ये सारी इतनी डिवाइन चीजें हैं जो आपके बॉडी के हेल्थ को पूरी तरह से ठीक कर रही है। आपके अगर कोई क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज हैं, ये उनको भी ठीक कर रहे हैं। धीरे धीरे आप वहां से वो चीजें खा खा कर पी कर, वहां जो भी पानी रखा हुआ जो अमृत से भी अच्छा है, उसे विजुअलाइज कीजिए उस दूसरी दुनिया के पानी को आपके बॉडी में अंदर अब्सॉर्ब होते हुए पीते हुए। और अब आप वापस उस पर्टिकुलर दरवाजे के पास आ चुके हो जिसकी चाबी आपने आपके जेब में रखी हुई है। महसूस कीजिए आप आपके चाबी आपके हाथ में ली है, आपके डिवाइन एंजल के साथ आपने वो दरवाजा खोला है। और अब जैसे ही मैं 1 से 3 कहूंगा, आप धीरे धीरे उस दरवाजे से इस दुनिया में आ जाओगे और उस दुनिया का दरवाजा आप बंद कर दोगे। आपका आपके साथ आपने सिर्फ पॉजिटिव चीजें सारी लाई हुई है। 1, 2, and 3। अब देखिए आपके सामने जो गोल्डन थ्रोन है, 2 मिनट उसके पास जाइए और उसको हाथ लगा के उसको थैंक्स कहिए, क्योंकि ये आप ही का थ्रोन है जहां पे आप राजा रानी जो भी है वो हो। अब धीरे धीरे उस थ्रोन से आप वापस आप उन 7 सीढ़ियों की तरफ आ जाइए। ये आपके एंजल्स ने आपकी सारी सीढ़ियां आपके लिए धो के रखी हुई है। आपने जितना भी सारा डिस्टर्ब चीजें वहां रखी थी, वो सारी एंजल्स ने सारी 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 चीजें धो के रखी है। चाहे आप उसे गंगा जल कहिए, चाहे आबे जमजम कहिए, चाहे जो भी होली वाटर कहिए, उससे सारी चीजें धो के रखी हुई है। और वहां पर एक रेड कारपेट बिछाया हुआ है। धीरे धीरे जैसे जैसे अब आप एक एक स्टेप आगे जा रहे हो, आप देखो सामने आज का जो पावरफुल डेट है 22/2/22, इतने सारे मून आपके ऊपर पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं।
जैसे जैसे एक एक सीढ़ी आप चढ़ रहे हो, आपके बॉडी में वो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, आपके बॉडी के हर एक सेल को पूरी तरह से रिप्रोग्राम कर चुके हैं आप लोग, और इस एनर्जी को रोज आप अगर 10 मिनट के लिए इस सेशन को करते हो तो आप महसूस करोगे कि आपकी लाइफ एक अलग डायमेंशंस पर जाएगी अगले 21 दिनों में। आप देखोगे आपके सारे मैनिफेस्टेशंस पूरे हो रहे हैं, आपकी हेल्थ ठीक हो रही है, आपके रिलेशंस ठीक हो रहे हैं। धीरे धीरे एक एक स्टेप जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आप महसूस करोगे उस मून के पावर को आपके अंदर आते हुए। एंड मून हैज अ स्ट्रॉन्ग पावर टू हेल्प यू टू मैनिफेस्ट द थिंग्स वॉट एवर यू वॉन्ट। सो प्लीज मैनिफेस्ट वॉट एवर यू वॉन्ट इन द पॉजिटिव वे। आपके इंटेंशंस ध्यान रखिए, आपके इंटेंशंस को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से रखिए। आपको जो चाहिए वो विजुअलाइज कीजिए कि ऑलरेडी आपके लाइफ में आ चुका है, और महसूस कीजिए उस खुशी को कि अब यह आपके लाइफ में है। वन, एक एक सीढ़ी ऊपर जाते हुए महसूस कीजिए उस मैनिफेस्टेशन को, एंजॉय कीजिए उस मैनिफेस्टेशन को। टू, थ्री, फोर, फाइव, एक एक सीढ़ी जैसे जैसे आप चढ़ रहे हो ऊपर, आपके सारे चक्रास भी टोटल क्लीन होते जा रहे हैं। आप महसूस कर रहे हो आपके पूरे स्पाइनल कॉर्ड को पूरी तरह से क्लीन हो चुका है, आपकी इड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। आपका पूरा फ्लो जो है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहिए, कुंडलिनी कहिए, सारी एनर्जी पूरी तरह से सिर से लेकर स्पाइन पूरी तरह से आपका क्लीन हो चुका है। आपके बॉडी में कहीं पर भी पेन नहीं है, आपके सारे नर्व्स ठीक हो चुके हैं, आपके डायबिटीज, आपके कोई भी क्रोनिक हेल्थ इशू जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ठीक होते जा रहे हैं। नाउ वी आर ऑन द सिक्स चक्रा एंड ऑल योर नर्व्स आर गेटिंग कंप्लीटली रिलैक्स। आपका सर्वाइकल स्पाइन, आपका लंबर स्पाइन, आपका थोराकल स्पाइन कंप्लीट क्लीन हो रहा है, आपके पूरी तरह से बॉडी के सारे पेन निकल चुके हैं। अब आप एक अच्छी हंसी खुशी वाली दुनिया में वापस आ रहे हो, ये दुनिया जहाँ पर यहाँ से आगे बस आपका कंट्रोल होगा आपके माइंड पर, एंड यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट द थिंग्स इन द राइट वे। नंबर सिक्स, देखिए किस तरह से आपको सारे प्लेजर्स मिल रहे हैं आपके लाइफ में। ये प्लेजर्स जो आपको आपकी चीजें सही करने में मदद कर रहे हैं। You are able to enjoy the materialistic things and also help the society with this materialistic wealth you have. You are creating abundance in the society with the wealth you have. You are creating the abundance in the society by adding value to your relationships, by giving out all the positive vibrations. And now see, you are on the seventh step where you are able to project yourself in a better way. आपके थॉट्स बिल्कुल सही हो चुके हैं, योर थॉट्स डिफाइन योर एनर्जी। नाउ यू हैव कम्प्लीटली कम आउट ऑफ द पॉन्ड इन द पॉजिटिव एनर्जी। आपकी बॉडी बिल्कुल स्टेबल हो चुकी है, एक गोल्डन ग्लो आपकी बॉडी पे आ चुका है, आपकी सांसें बिल्कुल सही तरीके से चल रही है क्योंकि आपकी इड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, जिसकी वजह से अगर किसी को कोई ब्रीदिंग इश्यू है तो वो भी आज ही क्लियर हो चुका होगा। अगले 21 दिनों में आप देखोगे कि आप वो पूरी तरह से क्लियर कर पाओगे। यहाँ से आगे जब जब आप आपका जो भी हाथ आपने डिसाइड किया है, आपका थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर जब जब टच करोगे, आप इस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड को एक्टिवेट कर पाओगे। एंड मैं यही चाहूंगा कि आप इस स्टेट ऑफ माइंड को आप सोने के वक्त एक्टिवेट कीजिए या अर्ली मॉर्निंग एक्टिवेट कर दीजिए, सो दैट यू आर एबल टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स। You are now into a very happy state of mind. Your body is completely relaxed. Enjoy this happiness till I count 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Your body is now completely relaxed. Your mind is now completely relaxed. Now, as I count from 5 to 1, you'll be coming back to this universe in this particular portal on today's date, 22nd Feb 2022, at the respective places where you are. While I'm counting down from 5 to 1, at a count of 3, you will rub your palms. At a count of 2, you will take your palms on your eyes.
एंड जैसे ही एक कहूंगा आप आपकी आंखें बहुत आराम से खोलोगे एंड महसूस करोगे एक स्ट्रांग पॉजिटिविटी आपके बॉडी में आई हुई। आप महसूस करोगे किस तरह से आपने एक बहुत ही अच्छी यात्रा कंप्लीट की है, जिस किसी जन्म में आप गए थे वहां से आपने सारी पॉजिटिव चीजें आपके लिए लेके आए हो। 5, 4, वेरी स्लोली यू आर कमिंग बैक टू द सेंसेस। एट अ काउंट ऑफ 3 यू विल रब योर पाम्स, एट अ काउंट ऑफ 2 यू विल कीप योर पाम्स ऑन योर आईज एंड एट द 1 यू विल ओपन योर आईज। 5, 4, 3, एंजॉय दैट वार्मथ इन योर हैंड। देखिए आपके हाथ में जो गर्मी है उसे महसूस कीजिए, क्योंकि यही एनर्जी अब आपके आंखों में आप देने वाले हो। यहां से आगे आप जो भी देखोगे अच्छा ही देखोगे लाइफ में, हर चीज में आप पॉजिटिविटी देखना शुरू करोगे। 2, महसूस कीजिए उस पॉजिटिव एनर्जी को आपकी आंखों में आते हुए, महसूस कीजिए उस पॉजिटिव एनर्जी को आपकी आंखों में आते हुए। 1, वेरी स्लोली, वेरी स्लोली ओपन योर आईज, very slowly open your eyes, take a deep breath, 5, 4, 3, 2, and 1। बहुत आराम से आपकी आंखें खोलिए। Yes. पानी पी लीजिए, बहुत से लोगों का गला सूख चुका होगा। प्लीज हैव अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर, इवन आई हैव अ वाटर। कैसे लगा? यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस, यू आर फ्री टू शेयर योर एक्सपीरियंस। वेरी नाइस सर। यू कुड पिक अप द पैटर्न्स व्हाटएवर इट वाज। यस सर। गुड, यू आर रिक्वेस्टेड टू शेयर योर फीडबैक बिकॉज़ इट विल आल्सो हेल्प मी टू बूस्ट माय मोरल। आगे और ऐसे बहुत सारे सेशंस लेके आएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत क्लियर था व्हेन वी वर यू नो एक्चुअली ट्राइंग टू क्लियर आवर नेगेटिविटी, लीव आउट द पास्ट, लीविंग आउट द अटैचमेंट्स जो हमें नहीं चाहिए। वो ट्रांसफॉर्मेशन वाज लाइक सो वेल एंड इन डेप्थ दैट इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। मतलब एक एक चीज छूटती नजर आ रही थी, एक एक चीज हम पॉजिटिव। इनफैक्ट बीच में मेरा नेट कनेक्शन गया एक मिनट के लिए, बट आई कुडंट कम आउट ऑफ इट। मैंने फोन रीस्टार्ट किया है, वो किया है, बट मतलब वो ना एक ट्रांसफर आया ही नहीं कि मेरी मेडिटेशन बीच में डिस्टर्ब हुई है। इट वाज दैट क्लियर सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। यस रचना जी। सर अगर हैज सम एक्सपीरियंस ही वांट टू शेयर। यस प्लीज बताओ जो भी एक्सपीरियंस किया मैं बताऊंगा। तो बेसिकली ऑफ पैसेज में रूम नंबर 312 खोला एंड लाइक उसमें पूरी zigzag लाइन में एक हैप्पी लाइफ थी, बर्थ से डेथ लेके और लाइक एक हीलिंग ऑफ उठाया। सो यू कुड एंजॉय इट। यस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बेटा। विश यू ऑल द सक्सेस। थैंक यू, थैंक यू। और कौन अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? I'll be very happy, क्योंकि यही मुझे भी बूस्ट देगा आगे जाने के लिए। And most of you had gone in complete trance, इसीलिए सबके चेहरे देखने जरूरी थे कि क्या हो रहा है, because sometimes some people can have some other experiences, तो उनको वहीं पर रोकना जरूरी होता है। But I could see that most of you were in a deep trance, and I'm thankful to God. Vidya madam, yes please. सर जब आपने वो हैप्पीनेस सर जो मतलब ऐसे हाथ करके
कि आपके हाथ में ले लो. तो उस समय मुझे मतलब मैं इतना वाइब्रेशन में थी कि फुल मेरा हाथ भर गया था और मैं वो एक्सपीरियंस कर रही थी खुद. वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरे लिए. थैंक यू मैडम. सो ऑल ग्रेस ऑफ गॉड. आप कौन शेयर करना चाहेगा? एकता मैडम, वन प्लस फाइव टी, राजलक्ष्मी जी. जी हाँ सर. यस मैम. पहला मैं थोड़ी देर से ज्वाइन किया. लेकिन एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था मेरा. उस जर्नी पे ज्यादा ही से ज्यादा मैंने ग्रीन देखा. अमेजिंग. पूरा ग्रीन ही ग्रीन. अभी मतलब बता रही हूँ तो भी मैं वो महसूस कर सकती हूँ. मतलब चारों तरफ ग्रीन ग्रीन ग्रीन. फल फूल ये सब मैंने ज्यादा महसूस किया. I wish you all the happiness in this life. भगवान करे आपकी सारी मुरादें पूरी हो, आपके relationships, health, wealth सब ठीक हो. हाँ सर. आपके जीवन में हमेशा हरियाली रहे. ये recording मिलेगा क्या आगे? बिल्कुल 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 recording मिलने वाला है. मैं इसको YouTube पे भी डालने वाला हूँ. जहाँ जहाँ ग्रुप में मैंने पोस्ट किया था सब ग्रुप में डालने वाला हूँ. बेस्ड ऑन अगर किसी और का ग्रुप है तो उस एडमिन को अगर ऑब्जेक्शन ना हो तो मैं डेफिनेटली वहां पर भी डालूंगा. एंड फेसबुक पर भी अपने इस पर डालूंगा मैं. एक्चुअली मेरा फ्रेंड ने ये मौका दिया मुझे ये लिंक डाल के. आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए 8551099009 पर. मैं आपको 1-to-1 भी शेयर कर दूंगा. ठीक है. क्या देगा? थैंक यू. और कौन बताना चाहेगा? प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिए प्लीज. आयुष आयुष्वन व्योम जी. यस वेरी सीनियर मेंबर. यस सर. सीनियर हो सकता हूँ लेकिन नॉलेज में नहीं हूँ. नहीं सर. आई एम लर्नर. एक्सपीरियंस. एम आई ऑडिबल सर? यस 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 क्लियरली ऑडिबल. बिकॉज़ आई थिंक माय बैटरी इज स्लाइटली डाउन. वन सेकंड. आपका यहाँ होना ही मेरे लिए ब्लेसिंग था सर. आपका इनवाइट करना मेरे लिए ब्लेसिंग था. मैं एक्चुअली आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू योर सेशन. ऐसा है कि आई आपके इंस्पिरेशन से आई गॉट ब्लेसिंग फ्रॉम ऑल माय एंसेस्टर्स इन दैट रूम. सॉरी आप सर आप अनम्यूट कर दीजिए. खुद को अनम्यूट कर दीजिए. गलती से आप म्यूट हो गए क्योंकि किसी और का हो रहा था. आप अनम्यूट कर दीजिए. हाँ यस. मैं ये कह रहा था सर कि बिकॉज ऑफ दिस जर्नी विच यू टुक मी ऑन एंटर्ड अ रूम फॉर पीस ऑफ माइंड. तो वहाँ मुझे अपने सारे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स मिली. और जैसे कि आपने कहा कि आप गले भी लग सकते हो तो मैंने उनके सबके पाँव छुए. उसने उठा के मुझे अपने गले से लगाया, सिर को तपवाया और वहां से एक वाइट सा ग्लोब मैंने उठाया है और वो लेके बाहर आया हूँ सबको नमस्कार करके. और उसमें मेरे जो पर्सनल दो डाइटीज हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिनको मैं मानता हूँ, वो भी वहाँ ही थे. मतलब वो भी मुझे साथ लेके गए थे. वहाँ पर उन्होंने भी मुझे वहाँ आशीर्वाद दिया. और फिर उसके बाद अब हम बाहर तक भी वही लेके आए. लेकिन यही है कि जब मैं ब्लू पानी में पॉन्ड गया था तो मुझे ब्लू पानी दिखा नहीं और उसका कलर चेंज होते हुए भी नहीं दिखा. कोई दिक्कत नहीं लेकिन मुझे उसकी कूलिंग जो आपने फीलिंग महसूस जब आपने कहा खड़े हो जाओ तो उस टाइम पे मुझे फीलिंग ऐसा हुआ कि जैसे पानी से खड़े होते हैं तो हवा लगती है तो ठंडा फील होता है. आई हैड दैट फीलिंग ऑफ सर. थैंक यू ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस था. बहुत अच्छा लगा आपका फीडबैक सुन के. ऑल थैंक्स टू यू. एंड आपके चेहरे का अगर आप ग्लो देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा क्या चेंजेस हुए हैं. आप खुद देख लीजिए. थैंक यू सर. थैंक यू सर. और कौन बताना चाहेगा अपना फीडबैक? इट इज फॉर माय वंदना पॉल जी.
यस मैडम नमस्ते, अनम्यूट कर दीजिए मैडम, अनम्यूट कर दीजिए. यस प्लीज. फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी टू दैट जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. It was a really wonderful, a very, very profound experience going into that stage. Mujhe bahut hi acha laga, and I can still remember the crystal clear water of the pond with lotus blooming over there. And then as soon as I went inside the pond, there bubbles are coming out of it. अभी भी मुझे दिखाई दे रही है सर वो bubbles जो आते हुए पानी के अंदर से निकलते हुए. देन व्हेन आई केम आउट ऑफ द पॉन्ड आई फील सो लाइट कि मुझे मतलब बहुत वो हल्कापन महसूस हुआ उसके बाद जब बाहर निकले थे. अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और एक स्टेज पे मेरा सर बहुत भारीपन महसूस कर रही थी, फीलिंग वेरी हैवीनेस ओवर द हेड. अब हल्का हो गया है अभी हल्का हो गया. थोड़ा सा पानी पी लीजिए. 5 4 3 2 1 रिलैक्स, पानी पी लीजिए. भगवान आपकी सारी मुरादें पूरी करे. आई विश यू ऑल द हैप्पीनेस इन द लाइफ. आप कलकत्ता से? कहां से? कलकत्ता? यू आर फ्रॉम? नहीं सर, मैं अभी बड़ोदरा में हूँ. बड़ोदरा, अमेजिंग, वन ऑफ द फाइनेस्ट सिटी. चलो, हमेशा खुश रहिए. और सर मैं न्यूमरोलॉजी भी प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं अभी. Okay. I'm doing consultancy also in numerology. आपको बहुत सारी बरकत दे, आपका manifestation पूरा हो, यही दुआ है आपके लिए. Thank you so much. Yes. Hemant ji, namaste. Can you please put on the camera? I'll be really obliged. इससे मेरा भी थोड़ा सा हौसला और बढ़ता है. Pooja, you would like to say first? Yes, sir. Yes, कहिए. Sir, बहुत दिनों से dream था, बस वही सब देखा जो जहाँ पे पूरी तरह सब जगह पे हरियाली थी. और हम दोनों husband wife शंकर भगवान जी की उपासना कर रहे थे पूरा टाइम. उसके बाद हम पूरी फैमिली को लेके हम चारों लोग गैया की बहुत सेवा करते जा रहे थे. साथ में ही जो अंध अपंग लोग थे उनकी बहुत सा सपोर्ट हम उनको दे पा रहे थे, और उनकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत अच्छी एक बोल सकते कि एक अच्छा सा तो पूरी चारों लोगों में बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन हो रहा था. और ये यही बस कंटिन्यू होते जा रहा था. एंड फैमिली बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो रही थी सर. शंकर भगवान जी की उपासना भी कंटिन्यूशन में जा रही थी. बस यही ड्रीम था और यही दिखा सब. बहुत अच्छा लगा सुनके. आई एम हैप्पी दैट यू कुड सी सम गुड थिंग. आपके लिए एक रेमेडी, पावे का शिवलिंग लेके आइए, उसकी पूजा शुरू कीजिए. थिंग्स विल चेंज फॉर यू. कौन सी शिवलिंग सर? पावे, पावा, मर्क्यूरी. Okay. देख लिया, things will be changed. Things will change for you. Massive transformation अगले 6 महीने में होने वाला है. बस लेके आइए. हेमंत जी नमस्ते. Can you please put on the camera? शायद उनका क्या और कोई बताना चाहेगा कोई फीडबैक. I want to share something. Yes, please. I'm Shalu Dudhoria. Okay, namaste. नमस्ते. सो जब मैंने व्हेन आई एंटर दैट रूम एक्चुअली लेड मी टू अ बिगर हवेली. ओके, अ ह्यूज हवेली. एंड आई मेट ऑल द पीपल आई हैव लॉस्ट इन दिस लाइफ. आई मेट ऑल ऑफ देम. एंड व्हेन आई केम आउट विथ वन बिग कलसी मेड ऑफ मिट्टी filled with gold coins. So and Ganesh ji walked with me this entire route.
सो आई रियली डोंट नो, जब आपने बोला ना कि आप अपने गाइडेड एंजल का हाथ पकड़ के आगे बढ़िए, तो गणेश जी समहाउ आ गए. तो मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ, बट गणेश जी आ गए एंड ही हेल्ड मी एंड आई वॉक्ड आउट विद गोल्ड कॉइन्स, दो आई हैडन्ट गॉन फॉर वेल्थ, आई हैड गॉन फॉर गुड हेल्थ. Okay. So I just wanted to know iska meaning, like, I mean, why did I see this? संकट नाशनम स्तोत्र करके एक स्तोत्र आता है गणेश जी का. अच्छा, उसका चैंटिंग अगले ट्यूसडे से शुरू कर दीजिए. यू विल सी अमेजिंग थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ. प्रोबेबली इन 21 डेज यू विल सी सम गुड थिंग्स कमिंग टू यू. कर दीजिए, हनुमान जी की उपासना चालू रखिए. अच्छा, गणेश जी का ये स्तोत्र बोलते जाइए, बिकॉज व्हेन यू आर सीइंग दैट यस सम गोल्ड कॉइंस आर देयर विद यू, means you are bringing the abundance. Universe is ready to give you the abundance. Probably something is stopping you from accepting it. अच्छा. संकट नाशनम स्तोत्र आता है, hardly 2 मिनट का काम होता है, 2 से 3 मिनट में बोल के हो जाता है. गणपति के 12 नाम होते हैं उसमें. ठीक, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. अगले ट्यूजडे से आप शुरू कर दीजिए. थैंक यू. फिर से दुआ है आपका, वो जो सोने से भरा हुआ जो घड़ा था वो आपके और आपके पूरे फैमिली के लिए हमेशा अबंडेंस दे दे. दिल से थैंक यू. आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? कलकत्ता. कलकत्ता, सिटी ऑफ स्वीट्स. चलिए, विश यू ऑल द हैप्पीनेस. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. दिल से दुआ है. थैंक यू. थैंक यू सो मच. एंड आई हैव मेट ऑल द पीपल आई हैव लॉस्ट इन दिस लाइफ. I've met everybody from my grandmother to my mother-in-law to my father, everybody. Good. I'm thankful to God ki thoda bahut main kuch value add kar paya. Bahut acha hoga, aap chinta mat kijiye. Thank you. Aur koi thank you so much chahega, for this. Thank you. Aur koi bolna chahega? But yes, even if you don't want to speak, it's fine. Most important ye tha ki वर्किंग आउट ऑन दिस पर्टिकुलर सेशन वॉज इम्पॉर्टेंट. अगर आप इसकी रोज थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हो, ये सेशन रिकॉर्डिंग तो मैं देने वाला हूँ, तो अगर आप इसकी रोज प्रैक्टिस करोगे तो यू विल सी एन अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग इन योर लाइफ. 1+5T. मैडम आपका नाम क्या है? बिकॉज यू वर इन टू अ टोटल ट्रांस. मेरा? हाँ, 1+5T. मोबाइल, हाँ मोबाइल का नाम 1+5T है, इसलिए मुझे आपका नाम पता नहीं है. यू आर ऑन म्यूट. हाँ, इट्स ऑडिबल. यस. ओके, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? बिकॉज यू हैड गॉन इनटू अ वेरी डीप ट्रांस. गर्दन आपकी पूरी पीछे जा चुकी थी. ओके, इट वाज रियली अमेजिंग. मैं पॉन्ड में ही अंदर, जब अंदर स्टेप इन किया था और पानी जो है पांव से टच होके और फिर वापस जा रहा था, फिर आ रहा था, एंड मतलब वो जो सीक्वेंस आ रहा था पानी का आने और जाने का, पाँव के ऊपर पाँव के नीचे से जा रहा था. आई वॉज फीलिंग रिलैक्स्ड एट दैट टाइम, एंड और जो सारा पानी था वो ब्लू कलर में मेरे को दिख रहा था. डक्स और जो लोटस हैं वो मेरे को नजर आ रहे थे उस टाइम पे. वेरी नाइस. गॉड ब्लेस यू विद ऑल द हैप्पीनेस. आपका नाम क्या है? अंजू सलूजा. हाँ, या अच्छा. Good. Because I could see that you had gone into a very deep trance. Okay. So God bless you with all the happiness and things will be really good for you. बहुत सारी चीजें चेंज होंगी. ठीक, थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच सर. एंड सबको मैं दिल से दुआ दूंगा कि आप सबकी मुरादें पूरी हो. Manifest in the right way. You will see that things are coming for you. आपके intentions clear रखिए. चीजें सामने से होके आती है, but गलत intentions रखने से गलत चीजें भी जल्दी हो जाती है.
एंड गलत चीजें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है. सो ट्राई टू हैव अ थोड़ा सा लंबा रास्ता पकड़ा तो चलेगा, बट डोंट गो विथ शॉर्टकट्स. मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली वर्क्स. सो इसके साथ ही मैं आप सबको दिल से दुआ करता हूँ कि आप सबके घर के घर पे हमेशा खुशियाँ बनी रहे, आपके लाइफ में हमेशा खुशियाँ बनी रहे, आपके घर पे हमेशा अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ, सारी चीजें आपकी लाइफ में हमेशा मिले आपको. So Vivek, this, can I button, please? Yes, please. Sorry, welcome. I just want to all the way from Johannesburg. Yes, please. Johannesburg, and yes. Lots of love to you, and really grateful for this beautiful session, Vivek. Yes, thank you. Just a little experience. I want to share is. Yes, please. आप when you say आप आपकी शक्ल दिखा दो मैडम. बहुत दिन हुए देखा नहीं. मैं अंधेरे में हूँ. अच्छा ठीक है चलो. Because I'm literally in the moonlight. मैं घर तो दूँ, but will not be able to see me because. I took this beautiful session. Yes. I don't know whether you can see it or not. Andhera but you can see the sky. Lekin, I just want to say, jo gifts hum leke wapas aaye hain from that chamber, from that room. The guidance I was given is ki zindagi ki bariyon ko, barikiyan jo hoti hain, us par dhyan do. Us par kaam karo. They are important. Don't just leave things, कि तुमने बना दिया और रख दिया. नहीं, I don't know. I mean, for me, that was the guidance given to me, and I think I need to pay more attention to that going further in my life. मुझे it was really it was a very deep insight that I took, and I really am truly grateful, Vivek. Thank you. Really. Thank you so much. In fact, बहुत बहुत आप सब लोगों ने ध्यान से किया, क्योंकि जब आप ध्यान से करते हो तो रिजल्ट्स भी 100% आते हैं. वॉट एवर यू डू, पूरी शिद्दत से करो, आपके रिजल्ट्स 100% आएंगे. सो थैंक्स टू यू एंड यू हैव बीन माय गुड फ्रेंड एंड आई लुक अप टू यू फॉर मेनी अदर हीलिंग मोडालिटीज आल्सो. आई एम रियली थैंकफुल. नो, बट यू नो व्हाट, वही बात है विवेक, हम जिंदगी में भले जो भी हो, अपनी यू नो जिंदगी में किसी भी मुकाम पर एक उस साथ की जरूरत होती ही है टू यू नो ओवरकम एंड टू, वो कहते हैं ना, जिंदगी में कुछ चीजें पाने के लिए तुम हमेशा पूरी तरह से सक्षम नहीं हो. Absolutely. हमेशा किसी का साथ काम आता है, एंड फॉर मी यू हैव बीन दैट ब्यूटीफुल ब्लेसिंग. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक टू यूनिवर्स. थैंक यू. नो, थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. सो विद दिस आई रियली हैव अ हार्टफुल gratitude to everyone who participated today. आप सबके घर पे हमेशा खुशियां रहे, आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे, यही दुआ है. ये रिकॉर्डिंग आज रात को मैं अपलोड कर दूंगा, यूट्यूब पे जाएगी एंड आप सबको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. सर, बिफोर यू एंड ऑफ द मीटिंग, एक छोटा सा किडिश फीडबैक देना चाहूंगी. बिल्कुल. मेबी किडिश फीडबैक इज ऑलवेज वेलकम. सर, एक्चुअली पता नहीं, वहां से जब आपने कहा ना जो खाना खा लो, तो आई लव गुलाब जामुन, मैंने खा लिया. एंड द मोमेंट आई ओपन माय आईज, कविशा लेकर आई, मम्मी चाची ने गुलाब जामुन भेजे. वाओ, अमेजिंग. इतना जल्दी मैनिफेस्ट होता. अमेजिंग. सो दिल से मैनिफेस्ट करोगे तो 100% रिजल्ट आता है. एंड स्पेशली ट्रांस में जाके अगर आप मैनिफेस्ट करोगे तो उसके रिजल्ट्स और जल्दी आते हैं. सो यू कैन मैनिफेस्ट टू बी अ गुड न्यूमरोलॉजिस्ट, यू कैन मैनिफेस्ट टू बी अ गुड मदर, यू कैन मैनिफेस्ट टू बी अ गुड वॉट एवर यू वॉन्ट, आप मैनिफेस्ट कर दो. बट यही देखो कि यू आर इन द प्रोसेस ऑफ बेकिंग इट, रिजल्ट्स आ जाएंगे. सो ऑल थैंक्स टू यूनिवर्स एंड दिल से सबका शुक्रिया. Thank you. Such a nice session. Thank you. We had a very, very nice session. Thank you, sir. Yes.